हेलो गाइज, नमस्कार। देख रहे हैं आप YouTube चैनल खबर आप तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज देश भर में 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्मतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई। साथ ही 3 नए बड़े बदलाव भारतीय व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए हैं। क्या नहीं 3 नए बड़े बदलाव है, जल्दी से आपको जान लेने चाहिए क्योंकि आपके जीवन से सीधे जुड़े ये बदलाव जुड़े हुए हैं। जल्दी से आपको अपडेट करा देते हैं 3 नए बड़े बदलाव से। सबसे पहला, भारतीय स्टेट बैंक ने एटीएम से कैश निकालने की लिमिट को कम कर दिया है। अब तक आप भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से एक दिन में 40,000 रुपए विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद ये राशि केवल 20,000 रह जाएगी। आप एक दिन में केवल 20,000 रुपए निकाल पाएंगे। सबसे बड़ा अपडेट, आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है क्योंकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि आने वाले समय में कृषि अवशेष, गोबर और स्थानीय ठोस कचरे से बायोकेमिकल फ्यूल तैयार किया जाएगा। इसके लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 5,000 बायोगैस प्लांट भारत में लगाए जा रहे हैं। उसके अंदर एथेनॉल का उत्पादन होगा और फिर ये भारत के कस्टमर्स के लिए, लोगों के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। इसकी वजह से पेट्रोल डीजल की आयात करने में कमी आएगी और पेट्रोल डीजल के दाम जल्दी ही भारत में कम होंगे। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट बता देते हैं, अब लोन लेना पहले से ज़्यादा महंगा हो गया। भारत की 3 बड़ी बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और ICICI ने अपनी बैंक की कर्ज की ब्याज दर को बढ़ा दिया है। अगर आप इन बैंकों से कोई लोन लेना चाहते हैं तो अब आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये 3 बड़ी अपडेट थी आपके लिए जो हमने आप तक पहुंचाई। जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या ये 3 बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी से कोई सीधा जुड़ाव रखते हैं। लाएंगे आपके लिए ऐसी ही और अपडेट जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए खबर आप तक। धन्यवाद।